जी हाँ दोस्तों, आज का वाटर पार्क वीडियो है पूना का डायमंड सिटी वाटर पार्क के बारे में। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, टिकट प्राइस क्या है, कैसे आ सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ये वाटर पार्क आने के लिए आपका नियरेस्ट बस स्टॉप है डायमंड सिटी वाटर पार्क लोहेगांव, जहाँ से आपको 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे आना पड़ेगा। पार्क का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। और हाँ, टिकट प्राइस है, मेरा टिकट प्राइस जो था वो है 1199 प्लस टैक्सेस। तो इसमें मुझे लंच और ब्रेकफास्ट विद ड्रिंक्स इंक्लूडेड था। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपका प्राइस पड़ेगा 649, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका लगेगा 999 प्लस टैक्सेस। तो पूरा वीडियो में आप देखिए, मैं यहाँ पे आप सबको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या एंजॉय किया और आप भी क्या क्या कर सकते हो। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको ऐसा कुछ नजारा देखने को मिलेगा। हाँ, ये वाटर पार्क के अंदर आप सिर्फ नायलॉन या सिंथेटिक का कपड़ा पहन के आ सकते हो, और बच्चे लोगों का हाइट मिनिमम 3 फीट होना चाहिए। आपका सबसे पहला राइड द पायरेट्स है, जहाँ पे आप देख रहे हो काफी सारा स्लाइड्स है, वाटर स्लाइड्स, और यहाँ पे बच्चे लोग और बड़े लोग दोनों ही काफी एंजॉय कर सकते हैं। ये बकेट या बाल्टी जो भी बोलो, ये यहाँ पे बहुत फेमस है। और जैसे ही बोलते हैं ना, पूरा बाल्टी ऐसा पानी से भर जाता है और वो पलटने का टाइम है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं भीगने के लिए। मैं भी 2 बार भीगी हूँ यहाँ पे। पर हाँ, अगर आप चश्मा या बोलते हैं ना सनग्लास पहन रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इतना फोर्स से और ऊपर से पानी गिरता है ना, तो थोड़ा संभाल के। मैं सीढ़ी से ऊपर आई थी ये सोच के कि मैं यहाँ से पूरा पार्क का नीचे तक बोलते ना अच्छे से फोटो वीडियो कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ चारों तरफ इतना पानी था और भीड़ भी काफी था, बोलते ना कि थोड़ा टाइम बाद मुझे मेरा कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि मेरे लेंस के ऊपर पानी आ रहा था। देख रहे हो मैंने स्लाइडर से ऊपर चढ़ा सीढ़ी के वजह, पर आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि एक तो मैंने ये काम जो गाइड है उनके नज़र बचा के किया, और आप देख रहे हो कि 1-2 बार मुझे ऐसा बोलते ना जो लोग ऊपर की तरफ से आ रहा था उनके साथ 1-2 बार कोलिशन होते होते बच गया, और जब मैंने ऊपर पहुंचा फिर मैंने वहां से प्रॉपरली स्लाइड किया।
ट्विस्टर है और यहाँ का वन ऑफ द पॉपुलर राइड्स है, पर मैंने ये पर्सनली नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँची थी और तब तक बोलते हैं ना मेरे फ़ोन का बैटरी और कैमरा का हाल बहुत ख़राब हो गया था। तो आप लोग अगर ये राइड करना चाहते हो ना तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करो, फिर बाद में बाकी सब करना, मेरी तरह गलती बिल्कुल मत करना। ये है यहाँ का वेव पूल, पर यहाँ पे जो वेव है ना वो बोलते हैं ना 2-2.5 घंटा का गैप के बाद छोड़ते हैं, मतलब कंटिन्यूस वेव। या मैंने बाकी जगह में देखा है कि 15-20 मिनट बाद बाद ही वेव छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर हाँ म्यूजिक काफ़ी अच्छा चलता है, डीजे वगैरह है, तो आप बोलते हैं ना काफ़ी अच्छे से अपने फ्रेंड्स फैमिली अपने बच्चों के साथ काफ़ी आराम से इंजॉय कर सकते हो। रेन डांस का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ वही एक बात बोलूँगी कि मैंने ये सब के चक्कर में मेरा वो ट्विस्टर पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। तो आप लोग डिसाइड करना कि आपको सबसे पहले अगर बोलते हैं ना वो ट्विस्टर का एक्सपीरियंस करना है तो सबसे पहले उसको करो, फिर बाद में ये सब करना। अब बात करते हैं डायमंड वाटर पार्क का कुछ खाने पीने के बारे में। कॉमनली आपको आपके पैकेज में वेज बफे इंक्लूड रहता है, लेकिन मेरा प्रीमियम पैकेज था बोल के मुझे कुछ नॉन वेज आइटम्स भी मिल गया था। और हाँ ये क्या बोलते हैं लंच वैसे तो इंक्लूड रहते हैं, लेकिन मेरा पैकेज में मुझे ब्रेकफास्ट और हाई टी भी इंक्लूड था। नॉनवेज आइटम में इन्होंने 2 टाइप का स्टार्टर हमें सर्व किया था, एक टिक्का था और दूसरा था चिली चिकन ऐसा कुछ था। और हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप कि राइस रोटी चिकन करी दाल हमें ये सब भी खाने के लिए यहाँ पे मिला है। और सिंस मेरा प्रीमियम पैकेज था बोल के हमें यहाँ पे ड्रिंक्स भी सर्व किया गया था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक था। डायमंड वाटर पार्क में बहुत सारा एडवेंचरस एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे कि मड बाइकिंग, जिप लाइन, ये सब भी आप कर सकते हो, पर मैंने आज वो सब ट्राई नहीं किया। तो आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पार्क विजिट किया तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट करके, और जो लोग अभी तक नहीं गया तो प्लीज जाइए। और हाँ मेरे ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे इंस्पायर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक